अच्छा, त्योहारों पे जैसे दीपावली आए तो छेना बनाए, रसगुल्ले बनाए, रसमलाई बनाए, लेकिन गणेश भगवान के तो भाते हैं लड्डू ही। लेकिन लड्डू बनाने के लिए बहुत सारे तामझाम लोग सोचते हैं घर में हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आज का रेसिपी हम लेकर के आए हैं ना, आप चुटकियों में बना लेंगे मोती चूर के लड्डू। कैसे बनाएंगे आइए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा और देख लेते हैं। यहाँ पे सर्विंग बाउल ले लिए, सर्विंग बाउल में हम लेंगे 1 कप बेसन। तो बहुत लोग क्या होते हैं ना कि चना के दाल से भी बनाते हैं, और बेसन जैसे पका करके उसको मुठरी बना करके बनाते हैं, हम भी बनाए हैं, बहुत ही अच्छे रेसिपी बनाए, आप लोग देखिएगा जरूर। लेकिन आज का रेसिपी है ना, कहिएगा क्या बात है, पहले क्यों नहीं बताई मैम, इतना आसान तरीके से इतने अच्छे से बनने वाले हैं कि आप तो उठिएगा और झटपट बनाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए बिना मेहनत के ये लड्डू हमारा बन करके तैयार हो गया। दबा दबा करके 1 कप बेसन लिए है, ये घर वाला बेसन नहीं है, मार्केट का बारीक वाला बेसन है। देखिए दिखाते, एकदम बारीक, तो बारीकी वाला बेसन लीजिएगा, मोटा मत लीजिएगा। 1 कप लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी कप से हम पानी नाप के लेंगे। यहाँ पे 1 कप ही पानी लेंगे, जितना लगेंगे हम आपको दिखाएंगे क्वांटिटी में। और हाँ, इतना मत ले लीजिएगा कि हमारा बूंदी चिपटा चिपटा बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, बेसन के इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो शुरू में एक साथ मत लीजिएगा, लगभग अभी आधा कप पानी लिए है, अच्छे से पहले इनको फेंट ले, एकदम पतला बैटर बनाना है इसको, बनाते हुए तभी हम बताएंगे। लेकिन कैसे पतला बैटर चाहिए आपको वो हम वीडियो में बताएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हम बेसन को फेंट लिए हैं एक ही दिशा में। और हाँ, यहाँ पे हम बेसन को छान करके लिए थे। आपका बेसन अगर डायरेक्ट मार्केट का है तो आप बिल्कुल उनको छान लीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आधा कप पानी लिए है ना, थोड़ा सा पानी यहाँ पे हम और लेंगे। इनको एक बार फिर से अच्छे से मिला लीजिएगा और हम चम्मच से लेकर के दिखाएंगे किस तरह के बैटर हमें चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से एकदम फेंट लिए हैं हम, देखिए करीब 4 से 5 मिनट। और अब हम पानी का क्वांटिटी बताते हैं। तो यहाँ पे हम करीब 1/3 कप पानी को बचा लिए हैं और बाकी पानी इनमें लग गए हैं। तो बस थोड़ा सा पानी, 2-4 चम्मच और लिए हैं, और हम चम्मच से लेकर के अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए कैसा बैटर होना चाहिए, देखिए इस तरह से बैटर होना चाहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। और चम्मच में हल्का सा हम डुबो लेते हैं और दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पतला चाहिए, यहाँ पे चम्मच भी दिख रहा है ना, इसी तरह से बैटर चाहिए हमें बूंदी के लिए। वो भी बूंदी कौन सा, आप वीडियो में देखिए, एकदम परफेक्ट बूंदी बनेंगे। आप लोग देखिएगा तो कहिएगा पहले क्यों नहीं बताई मैम, इतना अच्छा रेसिपी। तो इनको पानी जो लिए है ना, थोड़ा सा मिला लेते हैं। और चलिए ये तो हो गए हैं तैयार, अब हम आगे की ओर शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन कर लूं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है, किस दृष्टि से देखते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए इनको देख लेते हैं, आगे का मतलब काम शुरू करना है। यहाँ पे एक ग्लास ले लिए है, और ग्लास में हम क्या लेने वाले हैं, चाहे तो आप दूध का कोई भी थैली ले ले, देखिए इस तरह से बड़ा छोटा कोई भी ले लीजिएगा, या फिर पाइपिंग बैग से तो और मजा आएगा, मतलब और बढ़िया बनते हैं, लेकिन इसको हम बाद में दिखाएंगे। चाहे तो आप जो बेसन का पैकेट होते हैं ना, वो पैकेट से भी बना सकते हैं, एकदम घर में ही आपका सारा चीज उपलब्ध है। आप लोग भटकते रहते हैं बेवजह, तो देखिए आज यही उपाय लेकर के आए हैं कि आप लोग भटकिए मत और अच्छे से आप घर में त्योहार मनाए बिना कोई झंझट के, ताम झाम के। हम क्या करेंगे, गिलास में ये जो दूध का थैली है ना, आज दूध के थैली से ही आपको बूंदी बनाना बताएंगे। हम क्या करेंगे, जो बैटर बनाया ना इनको सीधे, अच्छा सबसे पहली बात कि इनमें ना कोई बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं लिए हैं, इनमें कोई कलर नहीं ले रहे हैं हम बेसन में। तो चलिए यहाँ पे जरूरत के अनुसार ले, क्योंकि आपको पाइपिंग बैग से भी बना के दिखाना है ना, तो इसलिए इतना हम बचा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको पाइपिंग बैग से गिलास में से इनको अलग कर लेते हैं, इस तरह से ले लीजिए आराम से। और चाहे तो आप यहाँ पे रबर बैंड भी लगा सकते हैं इस तरह से, देखिए एक रबर बैंड ले लीजिए, अच्छे से टाइट कर लीजिए यहाँ पे, अच्छे से यहाँ पे हम तैयार कर लिए हैं। अब देखिए गैस के पास चलते हैं, फिर हम आपको दिखाएंगे कि इनके साथ क्या करना है। गैस ऑन करके ले लिए देसी घी, देसी घी में ही बनाइएगा लड्डू, चाहे कोई भी मिठाई हो देसी घी में बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे देसी घी को मेल्ट होने देते हैं, थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो रहा है तब तक हम इनको, इनके बारे में बता दे तो आपको यहाँ नहीं कट करना है, यहाँ नहीं कट करना है, जानते हैं कहाँ कट करना है, एकदम थोड़ी सी हल्की सी नोक को कट करना है। देखिए यहाँ से निकलने लगे बेसन, तो बस इतना ही कट करना है। चलिए अब घी को देख लेते हैं। अब घी अच्छे से गर्म हो गए हैं,
और ध्यान रहे कि हम रुक रुक करके यहाँ पर बैटर को नहीं डालने वाले हैं एकदम लगातार, नहीं तो आधा जल जाएंगे और आधा मतलब कच्चा ही रह जाएंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा डाल के एक ड्रॉप दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह से आपको डालना है, इस तरह से, इस तरह से धीरे 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 इस तरह से डालते जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए कितना फटाफट से बूंदी होने लगे हैं। अब हम सबको बाहर निकालेंगे बूंदी को, तो सभी बूंदी को हम घी से बाहर ले लिए। आप देख रहे हैं कितना बारीक है बूंदी हमारा। हम क्या करेंगे, एक थाली में इनको ले लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया बने हैं। इसी तरह से दोबारा बैच में हम आपको बना करके दिखा दे रहे हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, फिर से सेम उसी तरह से मतलब करना है आपको रिप्लाई। बस इस तरह से धीरे 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 पुश करते जाना है, एकदम हल्का हल्का। देखिए इस तरह से सेकेंड बैच लिए थे ना, उनको भी हम घी से बाहर ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इतना फ्राई किए ना, इन्हीं में हम ले लेते हैं। और पाइपिंग बैग से बताए थे कि हम बताते हैं, तो चलिए अब पाइपिंग बैग से हम लेकर के बताएंगे आपको। अब हम फिर से गिलास ले लिए, गिलास में हम ले लेंगे पाइपिंग बैग। इससे और बढ़िया बनेंगे आप, अगर आपके घर में है तो दूध के थैली, बेसन के थैली, घी का थैली, कुछ भी से बना सकते हैं। यहाँ पे मिलाते हुए आपको बैटर को लेना है। सबको ले लेते हैं, सेम उसी तरह से हम इनको पकड़ेंगे। और आपके सेफ्टी के लिए यहाँ पे रबर बैंड लगा सकते हैं, जैसे हम लगाए थे ना सेम उसी तरह से टाइट करते हुए लगा लेते हैं। हम देखिए एकदम थोड़ा सा हम कट करेंगे, एकदम थोड़ा सा, एकदम ज्यादा बड़ा कट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आ गया ना, घी गर्म है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सीधे इनमें देखिए बूंदी की तरह कैसे गोल गोल गिर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर प्रेस भी हम नहीं कर रहे हैं, देखिए कितना आराम से। इसीलिए बोले थे कि आप पाइपिंग बैग से बहुत अच्छे से छोटे छोटे बूंदी बनाइएगा। ये बूंदी नहीं, एकदम परफेक्ट मोतीचूर के लड्डू वाले बूंदी है। देखिए हम एकदम नहीं प्रेस कर रहे हैं, देखिए कितना गोल गोल बूंदी बने हैं। सबको हम तेल से बाहर ले लेते हैं, इसी तरह से सबको बना लेंगे। तो 1 कप बेसन से यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया गोल गोल बूंदी आपको दिख रहे होंगे, कितना बढ़िया फ्रेश बन गए ना। तो यहाँ पे आपको लगता है कि झाड़ा लाने का हमें जरूरत है, बिल्कुल नहीं जरूरत है। तो इस दिवाली पे इसी तरह से बनाइएगा, एकदम आसान तरीके से। अब चलिए आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे खास बात, यहाँ पे आपको कढ़ाई धोने का कोई जरूरत नहीं है। घी को अलग किसी बर्तन में रख लीजिए और इसी में ले लीजिए चीनी। तो 1 कप चीनी ले, 1 कप बेसन लिए हैं ना, तो 1 कप चीनी लिए हैं। आप कम बेस अपने अनुसार देख लीजिएगा, ज्यादा मीठा खाते हैं तो और थोड़ा ले लीजिएगा, कम मीठा खाते हैं तो इसी में थोड़ा कम कर लीजिएगा। घर की बात है, जैसे मन वैसे बना सकते हैं, मतलब कम बेस कर सकते हैं। और 1 कप चीनी लिए हैं तो 1 कप पानी यहाँ पर लेंगे मेजरमेंट के हिसाब से। तो सही मेजरमेंट रखिएगा। और अब हम क्या करेंगे, इनको चलाएंगे। अच्छा यहाँ पे एक तार दो तार हमको नहीं बनाना है, बस चीनी को मेल्ट होने तक बनाना है। इनको अच्छे से चीनी को पकाते हैं। फ्रेंड्स अगर इस तरह से इस दिवाली पे अगर बनाइएगा तो आपके घर में जो भी मेहमान आएंगे तारीफ ही करके जाएंगे। तारीफ तो ऐसे मार्केट वाला मिठाई को भी करेंगे, लेकिन मार्केट वाला में इसमें मिलाइएगा तो 100% शुद्ध हेल्दी घर का ही मिठाई होगा। तो घर में बनाइए और चीनी को हम तब तक मेल्ट करते हैं। मार्केट जैसा लुक दिखने के लिए और खूबसूरत दिखने के लिए यहाँ पे लेंगे हम 1 इंच के करीब फूड कलर और इनको अच्छे से पहले मिलाएंगे एकदम बढ़िया से। इनसे लुक बहुत अच्छे आएंगे। तो केसरिया कलर यहाँ पे लिए हैं, ऑरेंज, इनसे लुक बहुत अच्छा। ये लड्डू का ही कलर का है इसीलिए हम इनको लिए हैं। तो चलिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। हमें एक तो पहले ही बताया कि एक तार दो तार नहीं लेना है, बनाना है। तो अब हम बूंदी को ले लेते हैं, इनमें सारे बूंदी को ले लेंगे। यहाँ पे सबको अच्छे से मिला देना है, गैस के कर दीजिए ऑफ और मिलाते रहिए, सारे चाशनी को एब्जॉर्ब कर जाएंगे एकदम बढ़िया से। तो बस सबको अच्छे से मिला लिए यहाँ पर। आप इनका शाइनिंग देखिए, कितना शाइनिंग अच्छे से आ रहा है ना। अब थोड़ा सा इनको ठंडा होने दीजिए, मतलब ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट ठंडा होने दीजिए। यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गए हैं ये। और अब हम क्या करेंगे कि ये मतलब इनमें एक ऐसा चीज लेंगे जो ये कम से कम 10 से 12 दिन या 15 दिन तक सेफ रहे, एकदम बढ़िया से रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हर समय हम घर में बनाते रहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे बना है ग्लूकोज सिरप, तो 1 से 2 चम्मच लेंगे हम, ज्यादा नहीं लेंगे। घर में ही बनाते हैं हम, मार्केट में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आपको घर में नहीं बनाना आता है कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद अगर हम वीडियो बना के डाल देंगे, तब तक अगर बनाना है आपको तो आपको क्या करना होगा, बेकरी वाले हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे ये मार्केट में, तो आप वहां से ले सकते हैं। यहाँ पे लेंगे हम ये कुछ खीरे वाला बीज, तो इनको हम डाल देते हैं। और देखिए ये ग्लूकोज सिरप डालने के बाद इनका कलर थोड़ा चेंज हो गया है। तो हम घर में ही बनाए, पूरी हेल्दी तरह से हम बनाए हैं, तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, हम वीडियो आपको देंगे। अब क्या करेंगे, एक थाली लेंगे,
और थाली में हम एक लड्डू पहले बना करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितना आराम से ये बन जाएंगे एकदम बढ़िया से। और हल्के हाथ से बांधिएगा इनको, थोड़ा सा इस तरह से प्रेस करते हुए, तो देखिए हमारे ये बूंदी के लड्डू कितना बढ़िया से बनकर तैयार होगा। ये बीच है, बीच को हम लगा दे रहे हैं सभी जगह पे, तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम शाइनिंग शाइनिंग। और ये देखिए क्या कमाल लग रहा है, लुक एट दिस फ्रेंड्स, क्या बात है। तो हम इस तरह से बना ले रहे हैं मोतीचूर के लड्डू। आप जब चाहे तब घर में बना सकते हैं, यहाँ पे हम दूसरा वाला बना रहे हैं, आप अपने मन पसंद से छोटा बड़ा बना सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो देखिए घर में लड्डू आप 4-5 दिन पहले बना के रख सकते हैं। हम आपको बताएं कि 10 से 15 दिन आप रख सकते हैं इनको। तो यहाँ पे हम पहले ही बना लिए 2 दिन पहले, आप भी दीपावली पर बनाइए। चलिए सारे लड्डू हम इसी तरह से बना करके रख लेते हैं। तो सारे लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए 1 कप बेसन में हमारा लगभग के वजन में 1 केजी से ऊपर ही लड्डू होंगे ये, और कम नहीं होंगे। और देखिए कितना हेल्दी लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार है फ्रेश, और लड्डू भी कमाल का बने एकदम। कहीं से मतलब आपको लाने का जरूरत है मार्केट से, देखिए कितना दानेदार बने हैं। तो हम चलिए एक लड्डू आपको अभी गर्मा गर्म में है तो हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए अंदर से टेक्सचर इनका, और जो ग्लूकोज सिरप पड़े हैं ना उससे क्या लड्डू लग रहे हैं। तो इस तरह से घर में बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो हम बना करके दिखाएंगे। और लड्डू हमारा बनकर हो गए हैं तैयार, और इन्हें स्टोर करके 10 से 15 दिन आप आराम से रख सकते हैं, कभी खराब नहीं होंगे। फ्रीजर में मत रखिएगा, फ्रिज में रख सकते हैं आप, और आप ठंडी के मौसम है तो इसे भी रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी तरह से एक नई रेसिपी लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रसोई मीना की। बाय। मन तो कर रहा है कि अभी ये खा ले फ्रेंड्स, लेकिन क्या करूं, पूजा के लिए है ना। तो चलिए मिलते हैं।